पुलिस भर्ती में फिजिकल परीक्षा देने के लिए दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करके धोखाधड़ी करने के मामले में पंचकुला पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सूचना के आधार पर पुलिस विभाग में पुरुष कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के तहत ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में फिजिकल टेस्ट के दौरान असल उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों के खड़े होने व टेस्ट में हिस्सा लेने का प्रयास करने के मामले में पहले ही थाना सेक्टर 5 पंचकुला में मुकदमा दर्ज है, जिसमें आरोपी संदीप, दूसरा आरोपी विनोद पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 8 जनवरी को तीसरे आरोपी मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एक पुलिस भर्ती में जो थोड़ा घपला हुआ है उसके बारे में आपने कुछ कंप्लेंट नहीं बताएंगे जी? देखिए, जो माननीय कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियां की जा रही हैं और वर्तमान में जो पुलिस विभाग में जो भर्तियां कांस्टेबल के पद पर जारी हैं, जिसके संबंध में अभी पिछले कुछ दिनों में ही जो है फिजिकल यानी जो भागदौड़ का जो टेस्ट था वो संपन्न हुआ है और अभी कागजात की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं उनकी चल रही हैं, उसके संबंध में माननीय आयोग द्वारा कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को जो है पकड़ा गया, चिन्हित किया गया है जो किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के जगह पे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे, तो उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया है और माननीय आयोग के अधिकारियों से पूरा रिकॉर्ड लेके और इसमें एक मजबूत केस पुटअप किया जाएगा और जो ऐसे गलत कामों में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने लोग अरेस्ट किए जाते हैं? देखिए, लिस्ट लंबी है, अभी तक हमने 3 आदमियों को इसमें जो है अरेस्ट फॉर्मली कर चुके हैं, बाकियों की एक लिस्ट जो है माननीय आयोग ने दी है, उस बारे में अभी छानबीन जारी है। सर, कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं ये? ये प्रतिभागी जो हैं पूरे हरियाणा से आए हैं, बाकी डिटेल्स हम आपको अभी डिस्क्लोज स्टेज पर करना उचित नहीं है क्योंकि जांच अभी जारी है। गिरोह की बात करें, पुराना गिरोह है, इससे पहले भी उन्होंने किसी और जगह भी काम किया, इस तरह काम किया होगा, तो कुछ ऐसी बात निकल के आई है सामने? देखिए, जब विवेचना चलेगी तो इस चीज़ को पूरी तरह से जो है इसमें गहराई से जाके जो है छानबीन की जाएगी कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जरूर अमल में लाई जाएगी। पेपर देने वाले और पेपर करने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या सिर्फ सिंगल? बिल्कुल, जो भी इसमें संलिप्त मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मीडिया के माध्यम से हमारा जो है ये पुनः जो है हम सभी को जो है सूचित और जो है वार्न करना चाहते हैं कि जो इस प्रकार के गलत कामों में लिप्त हैं वो अपने इन हरकतों से बाज आएं और आगे ना करें, और जो भोले भाले कोई व्यक्ति गलती से अगर इनकी चंगुल में फंस रहे हैं किसी कारणवश तो वो भी जो है सतर्क हो जाएं और इनसे दूरी बनाएं, गलत कामों में ना आएं। सर, ये तो जानकारी मिली थी, ये वो इस तरीके से कर रहे, ये माननीय आयोग का जो स्टाफ है उनके द्वारा छानबीन के दौरान जो है बातें सामने आई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सर, ये तो थे अपने अपराधियों को वार्निंग दे दी, लेकिन जो लोग ऐसा काम करने के लिए अपराधियों से संपर्क करते उनको क्या कहेंगे? वो भी कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो अपराधी ही हैं, तो उनको भी जो है कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर, बीते दिन अभी गृह मंत्री जी ने एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जिस तरह से जो लंबित मामले होते हैं चौकी थाने में जाते हैं, 10 दिन के अंदर उसको निपटाया जाता है, उसके लिए SHO जिम्मेवार होगा, उसको किस तरह से आप लोग इसको मैनेज करेंगे सर? इसको तो शिकायतें लगातार स्थानों में आती रहती हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री महोदय का जो हमें निर्देश है उनकी जो प्रेरणा है वो यही है कि जो शिकायतें लंबित हैं या जो अनुसंधान के अधीन जो अभियोग चल रहे हैं उनको अनावश्यक रूप से लंबित ना रखा जाए, उनको तुरंत निपटारा किया जाए, तो उस दिशा में हम उनके जो है पूरा मार्गदर्शन और जो निर्देश मिले हैं उसको फॉलो करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए कटिबद्ध हैं, वो किया जाएगा। जो गिरोह पकड़ा है, इसमें कोई कर्मचारी चयन आयोग के लोग भी शामिल हैं या नहीं, ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सामने आया है और ये अभी विवेचना का ही जो है विषय है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। तो हो सकते हैं चयन आयोग के कुछ कर्मचारी या कुछ लोग हो सकते हैं या नहीं, कुछ ऐसा संभावना नहीं? नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, वो आगे अनुसंधान में देखा जाएगा इसके पीछे कौन लोग हैं।